तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। पर ऐसे ही अधिकारी हैं जो कि बिहार और बिहारियों की छवि को बर्बाद करते हैं, तो व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं ठीक करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पूरे बिहार ने तो क्या पूरे देश ने देखा। ये वीडियो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे आईएएस के पाठक की, जिसमें वह गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अधिकारियों के साथ बीच मीटिंग में वो गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। और क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, आइए आपको सुनाते हैं। तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। हिम्मत कैसे हुई भैया बिहारियों को गाली देने की? और ऐसे ही अधिकारी हैं जो कि बिहार और बिहारियों की छवि को बर्बाद करते हैं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल देकर इनको इस बात से ऐतराज है कि भैया रेड लाइट पे खड़े होकर कोई हॉर्न क्यों मार रहा है, तो व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं ठीक करते? अधिकारी है ना आप लोग, व्यवस्था को सुचारू कीजिए। आज क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की? इनको ट्रैफिक के हॉर्न से प्रॉब्लम है ना? क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की? जगह जगह जाम लगता है। क्या हालात है बिहार के ट्रैफिक व्यवस्था की? कितने पुलिस का ट्रैफिक पुलिसकर्मी है इनके पास, बताएं अधिकारी महोदय, जो इनको हॉर्न बजाने से इनको दिक्कत होती है। ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी क्यों रखे हुए हैं, हमारी समझ के परे। तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि संदेश जाए कि कोई बिहारियों के ऊपर अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, उंगली उठाता है, तो उसके रहने की वजह। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।